कैसे पता चले कि हमारा राग में एकत्र चल रहा है? मेरे पास है इसका जवाब, कहोगे तो बताऊंगा। है क्या बोल रहे, क्या होता है? इन्वॉल्वमेंट से नहीं पता चलता, इन्वॉल्वमेंट अलग चीज, वो तो चक्रवर्ती चक्रवर्ती छह खंड जीतने जा रहा है तो पूरा इन्वॉल्वमेंट के साथ जा रहा है ना भाई, पूरा पूरा चाह रहा है। लेकिन एकत्व है राग में, पुण्य में उपादेय बुद्धि है, क्रिया कांड में उपादेय बुद्धि, कैसे पता चले? और बताओ। हाँ अरविंद जी आप बताओ, बताओ कैसे पता चले? ऐसे अपन को मंदिर के काम करने के विकल्प आ रहे हैं, तो इन विकल्पों में एकत्व है, ये पता कैसे चले? अरे इतना सरल उत्तर है कि अगर तुम्हारा एकत्व होगा तो तुम्हारे उस राग की कोई बुराई करेगा तो तुम्हें तकलीफ होगी। पकड़ गए बस। और अगर तुम्हारा एकत्व नहीं होगा और कोई बुराई करेगा तो तुम उसके पैर छूओगे कि बहुत अच्छा, तुम्हें हितकारी हो। समझ में आया? जब भरत जी के पास कोई आवे और कहे हे भरत सर्वानी चाहिए तुझे, तेरे पूरे घर के लोग दीक्षा लेके चले गए और तू यहाँ घर गृहस्थी के राग में फंसा हुआ है, तो भरत जी उसको पीले तो नहीं करवाएंगे, जेल में नहीं डलवाएंगे? शाबाश, अरे गुरु जी महाराज सच्ची बात कह रहे, तुम ही ठीक कह रहे हो। और अगर भरत जी का उस राग में एकत्व होता, तू बताएगा मेरे को, उठा इसको डाल इसको जेल के अंदर, ये ऐसा भाव आवे तो समझ लेना एकत्व पूरा है। इसलिए जिनको मेरे प्रवचन बुरे लगते हैं उनका एकत्व पूरा है, और जिनको मेरे प्रवचन बहुत अच्छे लगते हैं कि यही सच्ची बात बताते, समझ लेना उनका एकत्व कमजोर है, और अगर सुनते रहेंगे तो टूट जाएगा। जो मेरे प्रवचन से उठ उठ के भाग रहे हैं उनका पूरा एकत्व है, वो खाली संस्था की बात नहीं, हमने ब्रह्मी संयम की कहा कि कुछ नहीं होता इनमें, और तुम्हारा एकत्व होगा तो तुम एकदम उठ के भागो, और एकत्व नहीं होगा तो कहोगे बिल्कुल सही कह रहे, यही स्वरूप है, मैं व्रता देख का करता भोगता हूं ही नहीं। देखो एकत्व होता है तो उससे प्रशंसा सुनना चाहता है, प्रशंसा कर दे कोई, और एकत्व नहीं हो तो कोई आके समझाए कि कहां उपयोग खराब कर रहे हो, कहां अपनी कसाई में लगे हुए हो, तो उसको अंदर बहुत शांति मिलती है कि कोई सत्य का उपदेश देने वाला है तो कम से कम। इसलिए चापलूसों से सावधान।